अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं श्रद्धा हूँ। मानव जीवन में भक्ति की ज्योति जलाने वाली श्रद्धा हर मन को कर्म और निष्ठा से जोड़ने वाली श्रद्धा हर जीवन में प्रभु स्मरण की अलख जगाने वाली श्रद्धा मैं श्रद्धा अपनी सदाचारिणी पत्नी देवी सुनीति को आश्वासन देते हुए कंपिला नरेश महाराज उत्तानपाद ने समझाया कि यदि तुमने मुझे दूसरे विवाह के लिए विवश किया तो शनिदेव की चेतावनी के अनुसार उसका परिणाम भयंकर होगा और यदि सुनीति उनका साथ दे तो हरि कृपा से परिणाम शुभकारी ही होगा। इन्हीं विचारों से उद्विग्न और भ्रमित महारानी सुनीति अपनी शैया पर सो रही है। शनिदेव ने प्रकट होकर सुनीति को अपनी आज्ञा सुनाते हुए कहा शनिदेव की आज्ञा का पालन ही तेरी हर दुविधा का अंत है। तू अपने पति को विवश कर दे कि वो तेरे वचन की रक्षा के लिए सुरुचि से विवाह कर ले, अन्यथा भयानक संकटों का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो जा और देख कि शनि देव के क्रोध का प्रभाव कितना भयानक और कितना विनाशक है। उठो सुनीति, उठो। यदि अब भी तुम सोई रही तो शनिदेव का क्रोध तुम्हारे हर सौभाग्य को भयानक दुर्भाग्य में बदल देगा। सुनीति, क्या तुम्हें अपने देश, कुल और अपने पति से अपनी निद्रा प्रिय है? क्या तुम स्वेच्छा से अपने महान पति महाराज उत्तानपाद का नाम कलंकित करने की इच्छुक हो? क्या तुम स्वयं चुपचाप अपने पति को उपेक्षित और अपमानित होते हुए देखती रहोगी? नहीं। तुम ये क्या कह रही हो? अपने स्वामी के सौभाग्य के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, किंतु मैं विवश हूँ। स्वामी स्वयं मेरे प्रस्ताव की उपेक्षा कर रहे हैं। मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से भली भांति परिचित हूँ। जब तुम राजकुमारी सुरुचि की कठिन स्वीकृति को प्राप्त करने में सफल हो सकती हो तो महाराज उत्तानपाद को दूसरे विवाह के लिए प्रस्तुत करना तुम्हारे लिए अत्यंत सरल है, किंतु कैसे? स्वामी मेरी बात सुनने के लिए प्रस्तुत ही नहीं। इसका निर्णय तुम्हें करना है। अपने दृढ़ निश्चय से अपने देश, कुल और स्वामी की रक्षा करने का उपाय सोचो सुनीति, अन्यथा शनिदेव का क्रोध और कुदृष्टि कंपिला देश को ही नहीं समस्त पृथ्वीलोक का सर्वनाश कर देगी। मैं स्वयं शनिदेव के क्रोध से भयभीत हूँ। मुझे ज्ञात है शनिदेव कदापि अपने शत्रु को क्षमा नहीं करते। उनके प्रतिशोध का विस्फोट कदापि थमता नहीं, किंतु मैं अपने स्वामी का क्या करूं? करने को तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो, किंतु मैं तुम्हें कुछ ऐसा वैसा करने का परामर्श नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे सदाचार से भली भांति परिचित हूँ। महारानी सुनीति, अपने विवेक से निर्णय करो कि ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हें क्या करना है। सोचो सुनीति, सोचो, सोचो। जप तप व्रत।
जप तप व्रत। हे जगत पालक जगदीश्वर, हे मनुकुल के आराध्य, हे शरणागत वत्सल भगवान श्री विष्णु, हमारे कुल पर कृपा करें, दया करें भक्त वत्सल भगवान। आपको क्या हुआ था महारानी? स्वीकार करें, राजकुमार इस सुरुचि से विवाह कर ले, अन्यथा। अन्यथा क्या महारानी? अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु अनाथों के नाथ हैं, अपने भक्तों पर वे सदा ही कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं, उन पर विश्वास रखें महारानी। मुझे भगवान विष्णु की कृपा पर पूर्ण विश्वास है, किंतु अपने भाग्य पर नहीं। मेरा आपके कुल के लिए अभागन और कलंकित बनना उचित नहीं। मेरे कारण आपका सुयश अपमानित हो, ये मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। आपको पाकर तो हम धन्य हो गए महारानी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? स्वयं हमारे पिताश्री ने आपको हमारे युवराज की माता बनने की भविष्यवाणी की है। नहीं स्वामी, नहीं, मैं माता नहीं बन सकती। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो शनिदेव का क्रोध हमारे कुल पर दुर्भाग्य की काली छाया डालकर हमारा सर्वनाश कर देगा। महारानी, शनिदेव ने हमारे अग्रज भैया प्रियव्रत को भी अनेक प्रकार से आतंकित करने का दुस्साहस किया था, किंतु प्रभु कृपा के कारण ही वे शनि बाधा को नष्ट करने में सफल हुए। संकट की इस घड़ी में मेरी भावनाओं को समझे महारानी, हमारा साथ दे। महाराज, मैं अपने संकटों के लिए भगवान विष्णु को और कष्ट देने की इच्छुक नहीं हूँ। उस भक्त की भक्ति ही संकट में पड़ जाती है जो अपने कर्मों और कर्तव्यों को भूलकर हर दुख में भगवान को ही कष्ट देता रहता है। भयानक स्वप्न देखकर आप विचलित हो गई हैं महारानी, विश्वास रखें आप ही हमारे युवराज की माता बनेंगी। श्री विष्णु की कृपा से हम संकट का सामना करने में सक्षम होंगे। आप बार बार विष्णु कृपा पर आश्रित क्यों हो रहे हैं महाराज? इस प्रकार अपने कर्मों से विमुख होने के कारण क्या भविष्य आपको आलसी नहीं पुकारेगा? मुझे भविष्य के संबोधन की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं वर्तमान में जीता हूँ। मेरे भूत भविष्य वर्तमान का मात्र एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, अपने आराध्य श्री विष्णु की भक्ति में हर क्षण का समर्पण। एक भक्त अपने भगवान से कृपा की आशा नहीं करेगा तो किससे करेगा महारानी? तनिक सोचिए महाराज, क्या अपनी हर समस्या के लिए भगवान को पुकार कर हम उसी की प्रदान की हुई बहुमूल्य शक्तियों का अपमान नहीं करते? महारानी सुनीति, कंपिला देश पर घिराए संकट के कारण आप विचलित हो गई हैं। महाराज, मैं वर्तमान से अधिक भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। मुझे भय है यदि समय रहते आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो भविष्य मुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा। कीर्ति गाथा के पन्नों पर सुनीति का नाम अभागी, कलंकित और स्वार्थी नारी के रूप में लिखा जाएगा। नहीं महारानी, आपका नाम तो भविष्य के पृष्ठों पर त्याग की देवी के रूप में सदा सदा पृथ्वीवासियों को गर्व की अनुभूति करवाता रहेगा। स्वामी, मुझे प्रसन्न करने के लिए आप भविष्य को अनदेखा कर रहे हैं। मनुष्य जैसा सोचता है सदा वैसा ही नहीं होता। और आपने स्वयं कहा था कि शनिदेव ने आपको चुनौती दी है। किंतु मैं शनिदेव की चुनौती से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। मैं भविष्य को दिखा देने का इच्छुक हूँ।
कि एक भगवत भक्त का शनि देव जैसी विध्वंसक शक्तियां बाल भी भाका नहीं कर सकती। स्वामी, आप शनि देव से भली भांति परिचित हैं। वे अपने शत्रुओं को कदापि क्षमा नहीं करते। दुर्भाग्य से वे आपकी जन्म कुंडली के शत्रुभाव में प्रवेश कर गए हैं। भैया प्रियव्रत, शनिदेव के प्रहार से इसी कारण बचे रहे क्योंकि उनकी गुरु की महादशा चल रही थी। स्वामी, आप स्वयं संकट को आमंत्रित ना करें। मुझे कुछ नहीं होगा महारानी, आप निश्चिंत रहें। मेरी भक्ति की शक्ति के सन्मुख शनिदेव को पराजित होना ही होगा। नहीं महाराज, नहीं, मैं आपको इस भयानक संघर्ष में नहीं उतरने दूंगी। आप सुरुचि से विवाह करके मेरे वचन की रक्षा करें। आपको मेरी सौगंध। सौगंध ना दे महारानी, सौगंध ना दे। कंपिला के भविष्य और सुनीति के सौभाग्य के लिए सौगंध तो अब दे दी गई है महाराज। या तो आप मेरी सौगंध को खंडित कर दें, या मेरे वचन की रक्षा करें। मैं आपके सन्मुख अपनी पराजय को स्वीकार करता हूं। मैं आपकी इच्छा और वचन की रक्षा के लिए वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि से विवाह करूंगा। जय शनिदेव। जप तप व्रत। जप तप व्रत। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है ढैया। हमें भली भांति ज्ञात है कि हमारे आदेश की उपेक्षा करने का साहस विष्णु भक्तों में भी तो क्या, स्वयं उस छलिया विष्णु में भी नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं शनिदेव। यदि उस छलिया विष्णु में साहस होता तो वो वैकुंठ में आयोजित महासम्मेलन में आपकी निर्भीक घोषणा का अवश्य विरोध करता। तुम्हें स्मरण है ना राहू कि वैकुंठ के महासम्मेलन में हमने क्या घोषणा की थी? भली भांति स्मरण है शनिदेव। आपने कहा था, सब कोई सुने, जो जीव इन त्रिदेवों से निराश होकर मेरी पूजा आराधना तथा जप तप करेगा उसे मैं शनिदेव इच्छुक फल अवश्य प्रदान करूंगा। आप सत्य कह रहे हैं शनिदेव। महासम्मेलन में विष्णु सहित समस्त दुष्ट देवताओं के अहंकार को आपने खंडित कर दिया। मेरी अभिलाषा भी यही थी राहू कि वो छलिया विष्णु महासम्मेलन में मुझे चुनौती देने का साहस करता, किंतु वो तो भीरू निकला। मैं घोषणा कही नहीं अपितु अपने विध्वंसक और मारक को दृष्टि का परिचय महासम्मेलन में उपस्थित सभी देवताओं को देने का इच्छुक था, किंतु वे सब मेरे तेज के सन्मुख शरणागत हो गए। शनिदेव, मुझे विष्णु का स्वभाव भली भांति ज्ञात है। ये विष्णु मात्र कुचक्र की राजनीति ही उचित समझता है। समुद्र मंथन के समय इस छलिया ने कैसा मोहिनी अवतार धारण किया था,
किंतु आपकी विध्वंसक शक्ति के सन्मुख महासम्मेलन में इस विष्णु का छल, प्रपंच, खेल और राजनीति सब कुछ स्वाहा हो गया। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि संसार का समस्त भाग द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, दृष्टि, कुदृष्टि, ईर्ष्या, अभिमान, अहंकार मुझ में ही तो आश्रय पाते हैं। और इतना ही नहीं, उस छलिया विष्णु का छल भी मेरे कृपा के कारण जीवित है, शनिदेव की कृपा के कारण। मैं आपके विध्वंसक शक्तियों से अपरिचित नहीं हूँ शनिदेव, इसी कारण तो सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजस्वी ग्रहों के तेज को बार बार खंडित करने वाला ये परम शक्तिशाली दैत्य सेनापति राहु आपका दास हो गया। आज आपकी विध्वंसक शक्ति के सन्मुख उस हरि भक्त उत्तान पात को विवश होते देख मैं अति प्रसन्न हूँ। एक विष्णु भक्त को इस प्रकार समस्याओं के माया चक्र में उलझते देखकर मैं अपना आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अब तुम देखना, शनिदेव के अहंकार युक्त को दृष्टि का खेल वो दुष्ट विष्णु भक्त तान पात एक के पश्चात एक समस्याओं में घिरता चला जाएगा। नैया आज्ञा स्वामी। या मैं तुम्हारी स्वामी निष्ठा से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कारण मैं इस साढ़े साथी को क्षमा करता हूँ। वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि से दुष्ट उत्तान पात का दूसरा विवाह उसके सर्वनाश का संकेत लेकर आएगा।